गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस बचे थे परसेंटेज के। हमारा शायद टाइप 10 चल रहा था ना, टाइप 10 में 17 तक करवाया था, टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूँ मैं, है ना। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूँ, ठीक है। एक बैंक में 30% कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। यदि रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 24 है तो कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कुल कर्मचारी 100% है, 100% में से 30% रिटायर होने वाले हैं। जो 30% रिटायर होने वाले हैं वो किसके बराबर दिए हैं, 24। 30% बराबर 24, तो 100 बराबर कितना आ जाएंगे कुल कर्मचारी, बोलो। 30% कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, तो जो 30% रिटायर होने वाले हैं, 30% बराबर 24, तो 100 बराबर कितना आ जाएंगे कुल कर्मचारी। 30 बराबर 24 तो 100 बराबर कितना, तो यदि हम यहाँ से देखेंगे 100 बराबर 80 आएगा आंसर इसका, 80, है ना। कैसे, 30% बराबर 24, तो 1% बताओ 24/30 आएगा। 1% 24/30, तो 100% इंटू 100 कर ले क्या, 00 कैंसल, 3×8=24, बताओ 80 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। कितना आएगा, 80, है ना। सवाल नंबर 19, एक व्यक्ति के वेतन में से 10% मकान किराए में तथा 20% यातायात पर, 20% आयकर के लिए एवं 10% वस्त्रों पर। एक व्यक्ति की आय में से 10% मकान किराए में गया, फिर 20% यातायात में गया, है ना, फिर उसके बाद 10% वस्त्रों पर गया, फिर उसके बाद 20% गया ना, 20% आयकर पर गया, फिर उसके बाद 10% वस्त्रों पर गया, क्लियर, ठीक है। इसके बाद उसके पास जो बचा पैसा वो किसके बराबर है, 4800 रुपये। सारे परसेंटेज सैलरी में से ही डिडक्ट होंगे। क्या उसने ये बोला है क्या कि भैया 10% खर्चा हो जाने के बाद जो शेष बचा, शेष का 20, क्या उसने ऐसा बोला, 10% खर्चा हो जाने के बाद जो शेष बचा, शेष का 20, क्या शेष शब्द आया, नहीं। तो 10% भी इसी का, 10% के बाद ऐसा नहीं बोला शेष का 20, यानी कि 20 बीसी का, ये 20 बीसी का, 10 20 सब इसी का, तो ओवरऑल देखो 60% गया। ये अपने आप में 100% है भैया, 100% में से 60% गया, तो बताओ ये 40% बचा कि नहीं बचा। और जो 40% बचा वो 4800 रुपये के बराबर है। 40% 48, तो 100 बराबर कितना, उसकी आय पता चल जाएगी क्या, है ना। यदि 100 में से 60 तो खर्चा हो गया, देखो ना 60 गया, 40% बचा, 40% बराबर 4800 रुपया बचा, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, क्लियर, आय पता चल जाएगी। यदि 40% 4800, तो 100 बराबर शायद 12000 रुपये आएगा इसका आंसर, 12000। या फिर 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% बताओ 4800/40 आएगा, 1% 4800/40, तो 100% इंटू 100 कर ले क्या, तो 100% का वैल्यू, 00 कैंसल, 4 से 1200 × 10, ये 12000 आ जाएगा आपका। कितनी सैलरी आ जाएगी, 12000। बोलो समझे क्या नहीं समझे, क्लियर है, इतनी सी बात है ना, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए फटाफट ले रहा हूँ। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 20 है ना, सवाल नंबर 20 की यदि हम बात करूं, इधर से मिटा देता हूं, है ना, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर, सवाल नंबर 20 पर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। किसी घर के मूल्य का 2/7% 2,80,000 है, वो 2/7% नहीं है, घर का मूल्य यदि x है तो उसका केवल 2/7 किसके बराबर है, 2,80,000, ऐसा है ना। घर के मूल्य का 2/7% नहीं है, सिर्फ 2/7, तो घर के मूल्य का 2/7 किसके बराबर है, 2,80,000, बोलो समझे क्या नहीं समझे, क्लियर। तो घर के मूल्य का 2/7 किसके बराबर है, 2,80,000, बोलो समझे कि नहीं समझे। वो परसेंटेज नहीं है, हिंदी में जो प्रतिशत लिखा है मिसिंग है, वो प्रतिशत डिलीट मार दो वहां से, सिर्फ घर के मूल्य का 2/7 भाग बराबर 2,80,000, तो बताओ घर का मूल्य क्या आएगा। तो 2 से कटे गए 14 बार 14 पे 4 0, ये उधर गुणा होगा, तो 14 × 7=98, तो 9,80,000 आ जाएगा, 9,80,000 ये घर का मूल्य आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। अब सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 गलत है, सवाल नंबर 21 पूरी तरह से मिसप्रिंट है वो सवाल, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, 6% वोटिंग हुई। अरे भैया ऐसा कहाँ होता है, कभी देखा आपने कि केवल 6% वोटिंग हुई,
जब चुनाव होता है 20% वोट डालने नहीं आते, 30% नहीं आते, लेकिन 60% 70% लोग वोट डालने आते ना, 6% वोटिंग हुई है, गलत सवाल है, एंड में करेंगे इसको, है ना। चलो सवाल नंबर 22 पर आ जाओ सीधे आप। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 3/4 5/6 का कितना परसेंट है, तो 3/4 का प्रतिशत 5/6 के अंदर से निकालना है। 3/4 5/6 का 3/4 कितना परसेंट है, तो 5/6 में 3/4 का परसेंटेज इंटू 100, क्लियर। ये 6 घूम के ऊपर आएगा और ये 4 5 के साथ आ जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा, 100। 5 × 6 = 20 होता है क्या, 20 × 5 = 100 आएगा क्या, बताओ 90% आएगा क्या, ये बोलो। 3 × 6 × 5 कर दो 90 आ जाएगा, 20 है ना, 5 × 6 = 20, तो 20 × 5 = 100, तो 5 × 6 × 3 90% आ जाएगा, है ना। 23, एक संख्या का 25% यदि 20 है तो, कैसे बेवकूफ वाले सवाल पूछते हैं यार। देखो सवाल नंबर 23 देखो इनका कैसा सवाल है, सवाल नंबर 23 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इनका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, एक संख्या का 25% 20 है, यदि किसी संख्या का 25% 20 है तो भैया 40% का वैल्यू निकालो, 25% 20 है तो 40% का वैल्यू निकालो, शायद 32 आएगा। किसी संख्या का 25% 20 है, दूसरा तरीका संख्या x मान लो, ये डायरेक्ट तरीका, बेसिक तरीका संख्या x मान लो, उस संख्या का 25% किसके बराबर है, 20, है ना। संख्या का 25% किसके बराबर है, 20, तो हमें निकालना है संख्या का 40% का वैल्यू, हमें निकालना है, समझ आ रही बात। संख्या का 25% 20 है तो संख्या का 40% का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे तो इसका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालोगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 25 × 100 4 × 20 x = 80 आएगा क्या, बोलो आएगा 80, तो x की जगह यहाँ 80 लगाओगे आप, तो 80 का 40 प्रतिशत में बटा 100 आएगा, 20 × 20 कैंसिल, 32 आंसर आएगा क्या इसका, बोलो आएगा 32। या फिर डायरेक्ट तरीका 25% 20 है तो देखो इसका 4/5 है ना ये, तो 40 का 4/5 कितना आ जाएगा, 32। 4/5 नहीं आता समझ में, छोड़ो, है ना। ऐसा है कि भैया 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% 20/25 आएगा, 20/25 क्या होता है, काटोगे तो 4/5, तो देखो 1% 4/5 है तो 40% 40 × 4/5, 1% यदि 4/5 है तो 40% 40 × 4/5, है ना। 1% 4/5 है, 40% 40 × 4/5, 40 × 4/5 कर लो आप लोग, तो बताओ 32 आएगा कि नहीं आएगा, उत्तर 32, समझ में आना चाहिए इतने में, है ना। व्यापम में ऐसे सवाल पूछे गए अभी तक, समझो आप बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी दुनिया है हमारी जो जिस लेवल का हम पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 24 पर आता हूँ, यदि 25% की वृद्धि के पश्चात हरी का मूल वेतन, क्या बेवकूफी भरे सवाल पूछते हैं यार, मिटा दूं ना इसको, इधर से मिटा देता हूँ। सवाल नंबर 24 पे आ रहा हूँ, है ना, क्या है सवाल नंबर 24 देखो जरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ऐसा है कि यदि 25% वृद्धि के पश्चात हरी का मूल वेतन, 25% वृद्धि के पश्चात हरी का मूल वेतन 24,000 है, तो उसका 25% वृद्धि, 25% वृद्धि का मतलब होता है 4 का क्या हो जाना, 5, पता है 25% बड़ा, यानी कि 25% वृद्धि यानी कि 25% का लाभ। जब 25% का लाभ हो तो आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना आता है, 4 में खरीदा और 1 का लाभ, तो बताइए 4 से 5 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। या फिर टाइप फर्स्ट में हमने प्रतिशत वृद्धि पढ़ा है, 25% बढ़ा यानी कि 4 में 1 = 4 से 5, या फिर 25% बढ़ने का मतलब 100 का 125 हो गया, सीधी सबसे सीधी बात, 25% बढ़ने का मतलब 100 का 125, इसको काटोगे तो 25 × 100 = 25, 4 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो सीधे 1/4, 4 में 1 ज़्यादा, तो 4 से क्या आ जाएगा, 5, है ना। तो ये ओरिजिनल है नया, वृद्धि हो जाने के बाद की संख्या 5 बनेगी, ओरिजिनल नंबर 4 बनेगा, 25% बढ़ना मतलब ओरिजिनल नंबर 4 था तो नया क्या बन गया, 5। अब क्या दिया है हमें, 25% वृद्धि के पश्चात उसका जो वेतन है वो किसके बराबर है, 24,000। 25% वृद्धि के पश्चात का वेतन 24,000 है तो उसका मूल वेतन क्या था, यानी कि 4 = कितना, 5 = 24,000, तो 4 = कितना, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है इंटू 4800 का रिलेशन है ये, ठीक है, तो इंटू 4800 यहाँ कर लेंगे हम तो 19,200 आएगा आंसर। या फिर मेरे को पता है इंटू 4800 आपके दिमाग में इजीली नहीं आएगा, तो आप एक काम करो, एक का मान निकाल लो, 5 = 2400 24,000, तो 1 = 24,000/5, 1 = 24,000/5, 1 = 24,000/5 यानी कि 1 = 4800, यदि 1 = 4800 तो 4 = 4 = 4 = 4800, बताओ 19,200 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। या फिर इंटू 4800 का रिलेशन है यार, धीमे धीमे अनुभव होना चाहिए ना, तो 4 × 4800 19,200,
क्लियर। तो मूल वेतन 19,200, समझ आई बात। बेसिक एक्स वाला तरीका भी लगा सकते हो। एक्स वाला तरीका लगाने का मतलब है कि भैया उसका मूल वेतन एक्स से 25% बढ़ गया, यानी कि 125/100। मूल वेतन एक्स से 25% बढ़ गया 100 से 125, इसके बाद वेतन कितना हो गया उसका 24,000। यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो। मूल वेतन एक्स से 25% बढ़ने का मतलब 125% हो गया, 125% यानी 125% अटा 100 लगा, तो नया वेतन 24,000। तो एक्स का मान यहां से आ जाएगा, ये 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से ये 4800 बार, 4800 गुणा 4 एक्स बराबर 19,200 आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका। और भी बेसिक तरीका चाहिए तो 25% बढ़ जाने का मतलब मूल वेतन एक्स है, तो एक्स का 25% इतना बढ़ गया ना, मूल वेतन एक्स है तो मूल वेतन एक्स में 25% बढ़ गया ना एक्स का, बराबर कितना हो गया 24,000। इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, समझ आई बात, है ना। इस पर कुछ नहीं है तो इस पर क्या मैं 100% लिख सकता हूँ, एक्स के साथ 100% लगा सकता हूँ, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 कट जाएगा, वापस एक्स रह जाएगा। तो 100% एक्स प्लस 25% एक्स, 125% एक्स हुआ कि नहीं हुआ, परसेंट यानी बटा 100, 125% एक्स हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ से एक्स का मान निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 25 आ जाओ 25। चल देखो जरा, सवाल नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25। सवाल नंबर 25 की यदि हम बात करें, एक व्यक्ति ने 71% वोट हासिल किए, एक व्यक्ति ने कितने प्रतिशत वोट हासिल किए, 71%, है ना, समझ आ रही बात। टोटल वोट 100% मान ले, 100% में से कितने हासिल किया वो 71, 100% में से वो 71% हासिल किया, है ना, ठीक है। और चुनाव को 756 मतों से जीत गए, यदि ये 71 ले गया तो बाकी 100 में से 71 गया, 29 बचा के नहीं बचा, यानी कि दूसरा वाला हारने वाला 29 ले गया। अच्छा देखो इसकी तुलना में कितना ज्यादा लाया है, माइनस करो जरा, इसकी तुलना में कितना ज्यादा लाया ये, तो 42 ज्यादा है क्या, 42%, इसकी तुलना में 42 एक्स्ट्रा है क्या, 71% लाया ये, तो दूसरा 100 में से 71 गया, हारने वाला 29 लाया, इसकी तुलना में देखो 42% ज्यादा है, और ये 42% 756 के बराबर दिया कि नहीं दिया बोलो जरा, इसकी तुलना में 42% ज्यादा है और ये 42% हमें 756 के बराबर दिया कि नहीं दिया बताइए। बोला है ना कि 756 वोटों से जीता है, 756 वोटों से जीतने का मतलब हारने वाले की तुलना में 756 एक्स्ट्रा लाया, तो प्रतिशत में एक्स्ट्रा 42 है, तो 42% बराबर सच में 756। क्या निकालना है इसमें, कुल वोटों की संख्या 42/56, तो 100 बराबर कितना ये निकालना है, क्लियर। तो देखो यहां से पहले तो 1% का वैल्यू निकाल लो, 756/42, क्लियर, ठीक है। 1% 756/42, 100 बराबर कितना कर लो इंटू 100, तो 100% × 100 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 7×6=42, 7×1=7, 7×8=56, 6 से काटोगे इसको, 6×1=6, 6×8=48, 1800 आएगा ये, तो 100% बराबर कितना है 1800, तो कुल मतों की संख्या कितनी आएगी 1800। रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। सवाल नंबर 26, चलो आ जाते हैं 26 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं, क्लियर। चलो देखो जरा 26 नंबर का सवाल, ये 100% है ना, 100% बराबर 1800। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 भैया, एक एजेंट स्वयं द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक वाहन पर 1.5% कमीशन प्राप्त करता है, यदि उसका कमीशन 90 रुपये था तो उसकी कुल बिक्री कितनी। देखो भैया, कुल बिक्री अपने आप में 100% है, बेस है, कुल बिक्री अपने आप में 100% है, बेस है, और 100% में से 1.5% उसका कमीशन है। यदि 1.5% उसका कमीशन है तो सीधी सी बात है ना, 1.5% कमीशन है, 1.5% कमीशन जो है वो किसके बराबर दिया, 90 रुपये, तो कुल बिक्री 100 बराबर कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि यदि वो 100 का सामान बेच रहा है, 100 में से 1.5% उसका है, बाकी 98.5% बचा, ये 98.5% अपने ओनर को, दुकानदार को जमा करा देगा। उसने 100 का सामान बेचा तो उसकी डील है अपने मालिक से कि 100 का 1.5% मैं लूंगा, तो 1.5% वो लेगा तो 98.5% मालिक को जमा करवाएगा, और उसका जो 1.5% कमीशन है 90 रुपये, तो 100 बराबर कितना कुल बिक्री आएगी कि नहीं आएगी, 1.5% बराबर 90, तो 100 बराबर कितना, आप देखो 1.5% बराबर 90, तो 1% 90/1.5 से आएगा बोलो, 1% 90/1.5, तो 100% × 100 कर लूँ क्या बोलो, 100% × 100 कर ले कि नहीं कर ले, क्लियर। अब इसको हल कर ले तो आंसर आ जाएगा, कर लूँ इसको हल, है ना, या फिर 1.5% बराबर 90 है तो आप ही देखो जरा, 60 का रिलेशन है तो 60 कर लो, तो 100 × 60 या 6000 उत्तर आ जाएगा आपका, 60
डेढ़ इंटू साठ यानी कि साठ इंटू डेढ़, साठ का डेढ़ गुना नब्बे होता कि नहीं होता, साठ इंटू डेढ़, साठ कितनी बार, डेढ़ बार, तो साठ डेढ़ बार में नब्बे होगा कि नहीं होगा, तो सौ इंटू साठ, सौ इंटू साठ छः हज़ार, या फिर इसको हल कर लो, पॉइंट हटेगा जीरो लगेगा, पंद्रह छंग नब्बे, छः इंटू हज़ार छः हज़ार, बोलो समझे कि नहीं समझे। अगले सवाल पे आता हूँ, सवाल नंबर सत्तावीस, यदि एक्स का दस परसेंट वाई का बीस परसेंट है ना, सवाल नंबर सत्तावीस पर आ जाता हूँ, क्लियर आ जाते, रोक रोक के देख लेना आराम से, इजी सवाल है, क्लियर। वैसे सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिया जाना था, सवाल नंबर 27 है ना, एक्स का 10%, एक्स का मतलब गुणा, एक्स का 10% वाई का 20% है, तो क्या निकालना है एक्स रेशियो वाई, क्या बेवकूफी भरे सवाल पूछते, एक्स रेशियो वाई यानी कि एक्स बटा वाई का मान निकालना है, एक्स का 10% वाई के 20%, एक्स के बटा मान लाओ वाई को, परसेंट परसेंट कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, बताओ एक्स बटा वाई दो बटा एक आएगा क्या, तो एक्स रेशियो वाई दो बटा एक, इसका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, डी वाला, बोलो डी वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर समझ आई बात है ना। सवाल नंबर 28 पे जा रहा हूं, एक्स बटा वाई का मान निकालना है, तो एक्स बटा वाई जीरो जीरो कैंसिल, टू बाय वन आ जाएगा है ना, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब इधर देखो जरा, 27 के बाद 28, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, यदि हम बात करें 28 की, चीनी के मूल्य में 4% की कमी हो जाने पर जितने रुपए में पहले 28 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी, अब कितनी खरीदी जा सकती, अब ध्यान देना, ये सवाल आया आपका रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। अच्छा एक चीज मैंने सिखाई थी आपको, जब एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट हो यानी कि समान, जब एक्सपेंडिचर इस सवाल में एक्सपेंडिचर जब कॉन्स्टेंट होता है तो रेट और क्वांटिटी आपस में, यदि ए रेशियो बी है तो बी रेशियो, ऐसा होता कि ऐसा कब कर सकते हो, जब एक्सपेंडिचर खर्चा क्या कांस्टेंट, टाइप फर्स्ट पढ़ाया था मैंने, क्लियर। अब देखो 28 नंबर के सवाल, यही कहानी, चीनी के मूल्य में 4% की कमी, रेट में 4% की कमी, तो रेट में 4% की कमी का मतलब है 25 से 24 हो गया, 4% होता है 1/25 यानी कि 25 में एक कम, तो 25 से 24, क्लियर। अब देखना, रेट जब 25 से 24 है तो मात्रा क्या हो जाएगी, 24 से 25, क्योंकि सवाल में खर्चा समान है, कैसे समान है, कहां लिखा है, लिखा है चीनी के मूल्य में 4% की कमी हो जाने पर जितने रुपए में पहले 18 किलो चीनी खरीदी जा सकती थी, अब कितनी खरीदी जा सकती है, जितने रुपए में पहले 18 किलो उतने ही रुपए में अब, जितने रुपए में 18 उतने ही रुपए में अब, उतना ही रुपया उतना ही रुपया, रुपया समान, खर्चा कॉन्स्टेंट, इसलिए क्रॉस कर सकते। तो पहले मात्रा 24 यूनिट आती थी, अब कितनी आएगी, 25 यूनिट है ना, तो पहले की मात्रा 18 किलो दी, पहले 18 किलो तो अब कितना किलो, तो पहले की मात्रा 24 बराबर 18 किलो, तो अब की मात्रा 25 बराबर कितना आ जाएगी, अब की मात्रा बताओ, पहले 18 किलो तो अब कितना आएगी देख लेते हैं, तो 24 बराबर 18, 25 बराबर कितना, अब आप देखोगे तो देखो तीन चौथाई का रिलेशन है क्या, 24 का तीन चौथाई होता 18, तो 25 का तीन चौथाई 18.75 आएगा, मेरे को याद है आपको हल करना पड़ेगा, या फिर 24 बराबर 18 तो भैया 25 बराबर कितना, यदि 24 बराबर 18 तो 1 बराबर 18 बटा 24, 24 बराबर 18 तो 1 बराबर 18 बटा 24, तो 25 बराबर इंटू 25, 25 बराबर इतना आएगा कि नहीं आएगा, इसको हल करोगे ना 18.75 आएगा, समझ आई बात, इसको हल करोगे तो 3/4 है ना, गुणा करके 24 से, सबसे पहले तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 25, 25 या 75, 75/4 18.75 रुपये, तो इसका आएगा आंसर, पहले जितनी मात्रा खरी 18 किलो, अब कितनी खरीदी जाएगी, अब खरीदी जाएगी 18.75 किलो, समझे। सवाल नंबर 29 पर आ रहा हूँ है ना, क्वेश्चन नंबर 29 मिटाते हैं इधर से, सवाल नंबर 29 पर आ जाता हूँ, देखिए जरा, एक एक प्रकार का सवाल है, कहीं भी आप प्रतिशत के सवाल देखो तो जो शीट करवाइए शीट से कंपेयर करना, आपको कहीं भी सवाल दिखे नया नहीं है वो नया, एक बार इस पीडीएफ का एनालिसिस करो, वो सवाल आपको यहां दिखेगा ही दिखेगा उसके जैसा, समझ आ रही बात, ध्यान रखना है ना, बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति अपने वेतन का, सॉरी 29 है ही नहीं इसमें, सीधे 30 है, 29 है ही नहीं, सीधे सवाल नंबर 30 है, तो आंसर में भी, आंसर शीट में भी 29 नहीं होगा, 30 ही होगा, सीधे 28 के बाद शायद, 28 के बाद 29 दिया है इसमें, ओके चलो कोई नहीं, जो भी हो ठीक है ना, 28 के बाद सीधे 30 है मेरे पास, और ये 30 नंबर का जो सवाल है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है, ये सवाल कौन से टाइप में आया था मैं आपको बता देता हूँ है ना, ये सवाल आया था हमारा
टाइप सेवन में, नहीं 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 रुको, टाइप फाइव में, ये जो सवाल नंबर 30 है, सवाल नंबर 29 तो है नहीं, सवाल नंबर 30 जो है ना, एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है, ये टाइप पांच का सवाल है, आप खुद करेंगे, समझ आई बात। 31 नंबर के सवाल पे आता हूं, क्या लिखा है, यदि एक संख्या का 30% 300 है, कैसे बेवकूफ लोग हैं यार, किसी संख्या का 30% 300 है तो वह संख्या क्या है, तो संख्या अपने आप में 100% होती है, 30% 300, 100 बराबर कितना, आप देखो इंटू 10 का कनेक्शन है, 30 में क्या गुणा किया, 300 बना इंटू 10, 100 इंटू 10 बताओ संख्या हजार आएगी कि नहीं आएगी, किसी संख्या का 30% 300 है तो संख्या कितनी है, तो 30% यदि 300 तो संख्या स्वयं 100 होती कि नहीं होती, 30% 300, 100% 100 इंटू 10 हजार आएगा कि नहीं आएगा संख्या, या फिर संख्या x मान लो भैया, किसी संख्या का 30% कितना है 300, तो वह संख्या कितनी, यहां से x का मान निकाल लो, आ जाएगी संख्या 0 0, कैंसिल, 3 से 30 10 बार, परसेंटेज हटेगा, नीचे 2 0 लगेंगे, 2 0 यहां जाके गुणा होंगे, x बराबर हजार आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा, समझे कि नहीं समझे। सवाल नंबर 32 पर आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाता हूं, है ना, सवाल नंबर 32 ठीक है, शाम में 7 बजे क्लासेस हैं, आज से शाम में 7 बजे मैं टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, आज से शाम में 7 बजे मैं समय और दूरी स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर, तो जिसको भी पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस ओशियन एकेडमी इंदौर वाले चैनल पर आ जाए शाम में 7 बजे, है ना। सवाल नंबर 32, यदि m का 10%, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, ठीक है, तो m रेशियो n क्या है, क्या बेवकूफ लोग है यार, परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, m बटा n का मान 2/1 आएगा, आंसर 2:1 आएगा कि नहीं आएगा बोलो, है ना। सवाल नंबर 33, 33 में मिस्टेक है, 33 मिस्टेक है, छोड़ दो 33 में गड़बड़े, वो m की जगह n आएगा, n की जगह m आएगा, एक बार देखूंगा फिर अगली क्लास में बता दूंगा, है ना। सवाल नंबर 34 पर आ जाते हैं, क्लियर, है ना, 34 ठीक है, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है, 10% घटाने का मतलब है कि संख्या 100 से 90, यानी कि एक प्रकार से संख्या 10 से 9 हो गई, 10% घटाना 100 का 90, या फिर 10% घटाने का 10% 1/10, यानी 10% घटाने नहीं कि 10 में 1 कम, समझ आई बात, 10% घटाना 10 में 1 कम, यानी 10 का कितना हो गया 9, क्लियर है ना, 10% घटा, परिणाम 27 आता है, ये परिणाम कितना था 27, 9 बराबर 27 इंटू 3, तो 10 बराबर 10 इंटू 3 बताओ 30 आएगा कि नहीं आएगा, प्रतिशत खत्म। अरे सॉरी, चुनाव वाले सवाल बाकी है ना हमारे, अरे हाँ यार सॉरी यार, चुनाव वाले सवाल बाकी है ना, कितने सवाल है, 2 ही सवाल है, चलो कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम, सुनिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना, कल की क्लास में हम एजेस टॉपिक चालू करेंगे, आइयो, है ना, 3 दिन 3 डेज का टॉपिक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आयु की शीट शायद आपके उसमें होगी, ऐप में मैंने अपलोड कर दी है आयु वाली पीडीएफ, समझ आ रही बात, वहां से आप आयु की पीडीएफ देख लीजिए, आयु की पीडीएफ मैंने ऐप में अपलोड कर दी है, क्लियर, उस पीडीएफ को देखो, आप बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा आयु टॉपिक में, 3 डेज, क्लियर, आयु के बाद रेशियो, फिर पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, इस प्रकार से ना, 3 3 दिन 4 4 दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट होंगे बहुत अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन कम करेंगे, क्वेश्चन कम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हम कम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि सारे बेसिक पढ़ चुके हम, अब क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि और ये प्रतिशत, इनको घोटो आप, आगे के टॉपिक तो ऐसे ऐसे उड़ेंगे बिल्कुल, आयु टॉपिक में तो एक ही मेथड से पूरा टॉपिक हो जाएगा, समझ आ रही बात, बहुत ईजी है, ठीक है, तो कल वो चुनाव वाले सवाल करने के बाद आयु टॉपिक स्टार्ट हो जाए कल की क्लास में, और शाम में 7 बजे आइए, समय और दूरी जिसको पढ़ना ओशियन एकेडमी इंदौर चैनल पर, क्लियर, ओके, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं आयु के साथ, और आयु की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, थैंक यू।